हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज गगन एंड यू आर इंस्ट्रक्टर फॉर दिस होल कोर्स। तो आज के हम इस वीडियो से एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के एडवांस ट्यूटोरियल। ओके, तो इस प्लेलिस्ट में सबसे पहले हम देखेंगे जो भी जावास्क्रिप्ट ES6 वर्जन आया था उसमें जो भी नए अपडेट आए थे उन सभी के बारे में हम देखने वाले हैं। ओके, और उसके बाद हम कुछ जावास्क्रिप्ट में एडवांस टॉपिक देखने वाले हैं और एक प्लेलिस्ट हम ऑलरेडी बना चुके हैं जावास्क्रिप्ट पे। मान लीजिए उस प्लेलिस्ट में कोई चीज़ें मिस हो गई हो या कोई अच्छे तरीके से हम कवर नहीं किए हो तो उसको भी हम यहाँ पे अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। ओके, तो आज के हम इस वीडियो में सबसे पहले हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट जो ES6 वर्जन आया था उसमें दो वेरिएबल डिक्लेयर करने के दो तरीके अलग से आए थे। ठीक है, फर्स्ट हमारा लेट कीवर्ड की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, और एक हमारा कॉन्स्ट कीवर्ड की हेल्प से हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, वो हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। आपको कंप्लीट आइडिया लग जाएगा इसके बारे में। ओके, तो आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहूंगा। ठीक है, तो न्यूटन स्कूल बेसिकली क्या है? एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां से आप टेक इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो न्यूटन स्कूल आपको क्या करेगा, 6 महीने का फुल स्टैक डेवलपमेंट की आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा और जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो न्यूटन स्कूल का अपने 300 से ज्यादा टेक कंपनी के साथ टाइप है जिसमें आपको कंप्लीट आपको प्लेसमेंट लगवा सकता है। ओके, और जो न्यूटन स्कूल का एक बेस्ट पार्ट ये है कि मान लीजिए आपकी कोई टेक इंडस्ट्री में मिनिमम 5 लाख CTC के साथ, जब तक आपकी प्लेसमेंट नहीं हो जाता ना, मिनिमम 5 लाख CTC के साथ आपका कोई टेक इंडस्ट्री में प्लेसमेंट नहीं हो जाता तब तक आपको न्यूटन स्कूल को कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। ये न्यूटन स्कूल की एक बेस्ट पार्ट है, मतलब जब तक आपका टेक इंडस्ट्री में प्लेसमेंट नहीं मिनिमम 5 लाख CTC के साथ तब तक आपको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो बस गाइज यही था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन न्यूटन स्कूल के बारे में और अब चलते हैं हमारे आज के वीडियो जिसमें हम देखने वाले हैं लेट और कॉन्स्ट के बारे में। ओके, तो आज के वीडियो में सबसे पहले हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट लेट के बारे में। ओके, और उसके बाद हम देखने वाले हैं वेर और लेट में डिफरेंसेस के बारे में और लास्ट में हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट कॉन्स्ट कीवर्ड के बारे में। ओके, तो बिना देर क्यों करते हैं आज के वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपने नॉर्मल VS कोड एडिटर में आ जाऊंगा। ओके, तो जहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट कोड लिखने वाले हैं। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे अपने मैंने यहाँ से एक app.js फाइल बना रखी है जावास्क्रिप्ट की। ओके, और इसको मैं एक साइड बाय साइड खोल लेता हूँ। ओके, तो ये मेरा पूरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब यहाँ पे चलते हैं, हम देखते हैं सबसे पहले जावास्क्रिप्ट लेट के बारे में देखते हैं। तो लेट के बारे में लेट कीवर्ड के बारे में देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी हमारा जावास्क्रिप्ट ES6 से पहले जो जावास्क्रिप्ट का वर्जन था ES5 उसमें हम क्या करते थे, कोई भी वेरिएबल जो हमें डिक्लेयर करना होता था ना, वेर कीवर्ड की हेल्प से डिक्लेयर कर सकते थे। ठीक है, ये हमारा वेर कीवर्ड है, इसकी हेल्प से हम क्या करते थे, कोई भी वेरिएबल होगा उसको हम डिक्लेयर कर सकते थे। ठीक है, तो जो इसका ग्लोबल मतलब जो भी इसका स्कोप होगा वो ग्लोबल भी हो सकता है और लोकल भी हो सकता है। मान लीजिए अगर हमने यहाँ पे कोई फंक्शन के बाहर इसको डिक्लेयर किया है तो जो इसका स्कोप होगा वो ग्लोबल होगा, और मान लीजिए मैं इसे फंक्शन के अंदर ही हम इसको डिक्लेयर कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैं कोई फंक्शन बना रहा हूँ सम करके। ठीक है, और इसके अंदर मैं अगर ये वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ वेरिएबल ए। ओके, तो जो इसका स्कोप होगा वो क्या होगा, एक लोकल स्कोप होगा। ठीक है, तो ये सेम चीज़ें होती है हमारे लेट कीवर्ड के साथ। ठीक है, जो वेर होता है उसी की तरह हमारा लेट होता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस ये है कि जो इसका स्कोप होता है ना वो ग्लोबल नहीं होता, वो इसका स्कोप होता है ओनली ब्लॉक स्कोप होता है। ठीक है, तो हमारा जो लेट कीवर्ड है उसका जो स्कोप होगा वो ओनली ब्लॉक स्कोप होता है। ठीक है, तो मैं आपको एक एक एग्जांपल से इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे क्लियर करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ मान लीजिए एक वेर की हेल्प से कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ ए। ठीक है, और यहाँ पे मैं ए को वैल्यू असाइन कर रहा हूँ 10। ओके, और यहाँ पे मैं इसको लॉग कंसोल डॉट लॉग करता हूँ ए। तो अब मेरा सिंपल सा आउटपुट यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे मेरा आउटपुट आ जाएगा 10। यहाँ पे मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो 10 आ रहा है। ठीक है, और मान लीजिए अगर मैं इसी चीज़ को कुछ कोई फंक्शन के अंदर यहाँ पे लिखता हूँ, तो लेट सपोज मान लीजिए मैं यहाँ पे सम के अंदर इसको लिखता हूँ और यहाँ पे मैं एक अलग से वेरिएबल बनाता हूँ वेरिएबल ए। ओके, और यहाँ पे मैं इसको वैल्यू असाइन करता हूँ 25। ओके, और यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग भी कर लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग एंड ए। ओके, तो अब मुझे यहाँ पे क्या फंक्शन में कॉल भी कर लेते हैं। ठीक है, तो सम इसको यहाँ पे हम कॉल कर लेते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे देख सकते हो मुझे यहाँ पे 25 शो कर रहा है। ठीक है, क्योंकि जो ये वेरिएबल ए है जो इसका स्कोप है वो ओनली ब्लॉक लेवल स्कोप है। इस तरीके से यहाँ पे हमने इसके फंक्शन के इनसाइड इसको डिक्लेयर किया है तो जो इसका स्कोप होगा वो ओनली ब्लॉक लेवल स्कोप होगा। अगर हम इसको फंक्शन के बाहर इसको डिक्लेयर कर रहे हैं तो इसका स्कोप होगा ग्लोबल स्कोप होगा। ओके, तो ये तो बात हो गई हमारी एक वेर के बारे में। अब नेक्स्ट चीज हम देखते हैं लेट कीवर्ड के बारे में। ओके, तो लेट कीवर्ड को हम किस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, तो जो लेट कीवर्ड होता है वो उसका स्कोप जो ओनली होता है ब्लॉक लेवल स्कोप। तो ब्लॉक का मतलब यह होता है कि आप मान लीजिए कोई भी चीज़ इनसाइड दी कर्ली ब्रेसिस फोर के अंदर आप उसको ऐड कर रहे हो, वाइल लूप के अंदर उसको ऐड कर रहे हो, ठीक है, इफ एल्स के अंदर आप उस चीज़ को ऐड कर रहे हो, तो वो हो गया हमारा ब्लॉक लेवल स्कोप। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझते हैं। ओके, तो मान लीजिए यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेट कीवर्ड का यूज करके मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, लेट एक्स का वैल्यू यहाँ पे मैं असाइन करता हूँ 10। ओके, तो यहाँ पे मैं इसका एक्स का वैल्यू यहाँ पे मैं कर देता हूँ 10। ओके, और यहाँ पे मैं एक चीज इफ लूप यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ इफ। ओके, तो एक्स इज टू 10, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाए, यहाँ पे एक लेट एक अलग से वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ लेट ओनली सेम नेम से। ओके,
और यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग करने वाला हूँ, तो यहाँ पे x का वैल्यू ओके। और लास्ट में एक चीज़ अपन यहाँ पे करेंगे log x ओके। तो अब यहाँ पे देख सकते हो सिंपल मेरा यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा। यहाँ पे मैंने 10 ही कर दिया, यहाँ पे मैं इसको 20 कर देता हूँ ठीक है ओके। तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, जो ये लेट कीवर्ड है सबसे पहले मेरे यहाँ ओनली ब्लॉक लेवल स्कोप होगा इसका ठीक है। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले 20 शो कर रहा है और उसके बाद ये मेरा मेरे को 10 शो कर रहा है ठीक है। तो ये हो गया हमारा ब्लॉक लेवल स्कोप के बारे में ठीक है, लेट कीवर्ड के बारे में और वेर कीवर्ड के बारे में। आपको इसमें डिफरेंस समझ में आ जाएगा। अभी हम और दो इसका डिफरेंसेस के बारे में देखेंगे तब आपको और अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा ठीक है। तो हम आपको सबसे पहले इसका डिफरेंसेस के बारे में ही चलते हैं। डिफरेंस मैंने आपको एक डिफरेंस तो बता ही दिया, जो भी इसका स्कोप होगा वो एक ग्लोबल स्कोप होगा, ग्लोबल भी हो सकता है वेयर का और एक ब्लॉक लेवल स्कोप भी हो सकता है। लेकिन जो हमारा लेट कीवर्ड है उसका जो स्कोप होगा वो ओनली एक ब्लॉक लेवल स्कोप ही होगा। आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ जिससे आपको ये चीज़ें अच्छे तरीके से कवर हो जाएगी। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करने वाले फोर लूप का ओके। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूँगा, वेयर कीवर्ड का यूज़ करके एक फोर लूप क्रिएट करने वाला हूँ ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे लेट कीवर्ड का यूज़ करके फोर लूप क्रिएट करेंगे ठीक है। आपको दोनों में डिफरेंस पता इजिली चल जाएगा ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक फोर लूप क्रिएट करूँगा। तो फोर आई यहाँ पे हम वेर यूज़ कर रहे हैं ठीक है, वेर कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। और यहाँ पे हम लूप रन कर रहे हैं फोर तक, इसको फाइव तक रखते हैं ठीक है। और यहाँ पे अपन आई प्लस प्लस ओके। और इसके अंदर अपन कुछ नोट डाउन करते हैं, कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे इनसाइड द लूप, यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करते हैं उसके लिए सिंपल इनसाइड द लूप। और यहाँ पे मैं यहाँ पे आई ऐड करता हूँ ठीक है, सिंपल जैसे हमारा लूप चलेगा यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट करेगा ओके। और यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग इसके यहाँ पे इस लूप के अंदर बाहर भी यहाँ पे डिक्लेयर करने वाला हूँ ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग करके ये हमारा आउटसाइड द लूप ओके, आउटसाइड द लूप, आउटसाइड द लूप ओके। और यहाँ पर भी अपन आई की वैल्यू यहाँ पे वो करने वाला है ठीक है। तो आप इस चीज़ को पूरा अच्छे तरीके से देखिएगा ठीक है। मैं इस चीज़ को यहाँ पे जूम कर देता हूँ थोड़ा, जूम नहीं इसको जूम इन कर देते हैं इसको जूम आउट ओके। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, एक फोर लूप क्रिएट किया वेर कीवर्ड की हेल्प से। तो मेरा क्या होगा, सबसे पहले आई की वैल्यू यहाँ पे जीरो होगी, जीरो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद मेरा आई की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी फाइव तक ओके। लेकिन जैसे यहाँ पे लूप से बाहर ये वाली चीज़ें आएगी, लेकिन जो हमारा वेयर कीवर्ड होता है वो क्या होता है, एक ग्लोबल वेरिएबल होता है ना। तो जो ग्लोबल वेरिएबल होगा, जो भी इसका वाई आई की जो वैल्यू होगी वह जब तक कितना हो चुकी होगी, फाइव हो चुकी होगी, तो वो वैल्यू भी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ, मैं इसको सेव करता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ हमें क्या शो करेगा, जीरो से लेके फोर तक तो जो इस लूप के अंदर वाली चीज़ें थी वो हमें शो कर रही है ठीक है। जैसे इस लूप के बाहर आएगा तो जो वेयर कीवर्ड होता है हमारा क्या होता है, एक ग्लोबल वेरिएबल होता है ना। तो जो वेयर की वैल्यू, वेयर आई इज टू कितनी वैल्यू हो चुकी होगी लास्ट टाइम तक, हमारी फाइव हो चुकी होगी ठीक है। ये लूप नहीं चलेगा फाइव तक, क्योंकि यहाँ पे हमने एक कंडीशन लगा रखी है, जैसे पाँच से छोटा हो तब तक ही चले, जब पाँच हो तब ना चले। लेकिन आई की वैल्यू पाँच हो चुकी है तो यहाँ पे हमें प्रिंट कर दिया ठीक है। लेकिन अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस वेयर कीवर्ड की जगह मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ओनली लेट कीवर्ड यूज करने वाला हूँ ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो मेरा लेट कीवर्ड है वो ओनली ब्लॉक लेवल है, ब्लॉक लेवल की चीज़ें होती है ठीक है। वो एक ब्लॉक लेवल एक वेरिएबल होता है, उससे हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, एक ब्लॉक स्कोप होता है उसका ठीक है, वो उसका ग्लोबल स्कोप नहीं होता है ठीक है। तो जैसे मैं इसको यहाँ पे सेव करूँगा ना, तो ये लूप तो मेरा चल जाएगा, जीरो से लेकर फोर तक यहाँ पे चीज़ें आ रही होंगी ठीक है। लेकिन जो भी ये जो मेरा आउटसाइड द लूप है ये वाली चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होगी ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ मेरे को यहाँ पे एक रेफरेंस एरर शो कर रहा है कि आई इज नॉट डिफाइंड ओके। तो जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है लेट कीवर्ड की हेल्प से, तो जो इसका स्कोप होगा वो ओनली ब्लॉक लेवल स्कोप ही होता है ठीक है। तो आपको एक डिफरेंस तो यहाँ पे पता चल गया लेट कीवर्ड एंड वेर कीवर्ड के बारे में ओके। और एक डिफरेंस ये भी होता है, अपन नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं एक विंडो ऑब्जेक्ट की तरफ ठीक है। तो जो हमारा विंडो ऑब्जेक्ट होते हैं, विंडो ऑब्जेक्ट नहीं, जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी जो हम प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं वेर कीवर्ड के साथ ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक चीज वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ वेर एज कस टू 10 ओके। और यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और मान लीजिए विंडो जो इसके ग्लोबल ऑब्जेक्ट होते हैं हम उसको यूज कर सकते हैं विंडो डॉट ए। तो यहाँ पे मुझे आउटपुट शो क्या करेगा, यहाँ पे मुझे सिंपल इसका आउटपुट यहाँ पे 10 शो कर देगा ओके। लेकिन अगर मैं इस वेयर कीवर्ड की जगह यहाँ पे मैं अगर लेट यूज करता हूँ तो वो मुझे आउटपुट शो नहीं करेगा, अनडिफाइंड सॉरी एरर नहीं शो करेगा, यहाँ पे अनडिफाइंड मुझे यहाँ पे शो करेगा ओके। तो हम जो भी हमारे ग्लोबल ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी प्रॉपर्टी को हम इनके साथ अटैच नहीं कर सकते, लेट वेरिएबल होते हैं इनके, अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं लेट की हेल्प से तो हम उसके साथ उन प्रॉपर्टी को अटैच नहीं कर सकते ओके। तो ये हो गया हमारा एक सेकंड इसमें डिफरेंस, फर्स्ट हमने देख लिया और सेकंड डिफरेंस ये भी जो भी इसके ग्लोबल ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी प्रॉपर्टी को हम यूज नहीं कर सकते हैं ओके। और एक लास्ट एक इसका डिफरेंस और देखते हैं, वो होता है रीड डिक्लेरेशन। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, वेरिएबल ए, वेर कीवर्ड की हेल्प से मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, इसके वैल्यू मैं असाइन करता हूँ यहाँ पे 10 ओके। इनिशियलाइज भी कर दिया उसको, डिक्लेयर भी कर दिया ओके। और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, चलो मैं यहाँ पे एक कंसोल डॉट लॉग ऐड कर देता हूँ, ए की वैल्यू मुझे यहाँ पे आ जाए ओके।
और एक और वेरिएबल मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ, वेर ए की हेल्प से ही यहाँ पे मैं इसको 15 कर देता हूँ, ठीक है, ओके। और यहाँ पे मैं लॉग करता हूँ, लॉग ए। अब यहाँ पे मुझे देखो आउटपुट क्या शो करेगा, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे 10 शो कर रहा है, उसके बाद मुझे यहाँ पे 15 शो कर रहा है, तो मैं इस चीज़ को यहाँ पे रिमूव करता हूँ सबसे पहले, ओके। तो सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया उसको डिक्लेयर कर दिया ए वेरिएबल ए को, और इनिशियलाइज भी कर दिया 10 के साथ। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, रीडिक्लेयर कर दिया वेर की हेल्प में, तो मैं इसको रीडिक्लेयर कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अगर यहाँ पे मैं वेर की है या वेर की जगह मैं यहाँ पे लेट यूज करता हूँ, तो ये मुझे एक एरर शो करने लग जाएगा, ठीक है, कि जो हमारा लेट कीवर्ड होता है उसकी हेल्प से हम अगर कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जैसे इसको सेव करूंगा तो ये मुझे एक सिंटेक्स एरर दे रहा है, ठीक है, आइडेंटिफायर ए हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर, ओके। तो मैं इसको ये वाली चीज़ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको रीइनिशियलाइज जरूर कर सकता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे हटाता हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, मैं इसको रीइनिशियलाइज कर रहा हूँ, वो मैं अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसका रीडिक्लेयर नहीं कर सकता हूँ, ओके। तो इससे इसका आपको सेकंड डिफरेंस भी आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो जो वेयर में क्या कर सकते हैं अपन, दोनों चीज़ कर सकते हैं, उसको रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं, रीइनिशियलाइज भी कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा लेट कीवर्ड है इसकी हेल्प से हम ओनली उसको रीइनिशियलाइज कर सकते हैं, रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, ओके। तो आपको आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी लेट और वेयर के बारे में, ओके। और अब हम देखने वाले हैं हमारा लास्ट चीज, वो है जावास्क्रिप्ट कॉन्स्ट कीवर्ड, ओके। तो जो हमारा कॉन्स्ट कीवर्ड होता है, जो जावास्क्रिप्ट ES6 वर्जन में एक नया फीचर आया, इससे कि हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कॉन्स्ट वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारे जो बाकी सारी चीज़ें होंगी जो भी कॉन्स्ट कीवर्ड के बारे में, वो हमारे लेट कीवर्ड की तरह ही होते हैं, लेकिन इसका एक चीज़ होता है, जो इसका यूज़ किया जाता है ना, वो ओनली कॉन्स्ट वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए ही किया जाता है, ठीक है। बाकी जो भी चीज़ें होंगी लाइक वो ब्लॉक लेवल ब्लॉक उसका जो स्कोप होता है, वो ब्लॉक स्कोप होता है, वो ही चीज़ें यहाँ पर हमारी कॉन्स्ट कीवर्ड के बारे में होती है, लेकिन जो इसका यूज़ किया जाता है ना, वो कॉन्स्ट कीवर्ड कॉन्स्ट जो भी हमारा कॉन्स्टेंट होता है ना, उसको डिक्लेयर करने के लिए किया जाता है। मान लीजिए इसको हम कैसे करेंगे डिक्लेयर, हमारा कॉन्स्ट हो गया ए, इसको हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं 10, ओके। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा क्या होगा, कॉन्स्ट जो भी हमारा कॉन्स्टेंट वेरिएबल है उसका नेम, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जो भी हमारा कॉन्स्ट वेरिएबल है उसके यहाँ पे हमारी वैल्यू, हम इसको यहाँ पे असाइन कर सकते हैं, ओके। और इसके बाद ये तो हो गया हमारा सिंपल कॉन्स्ट कीवर्ड के बारे में, ओके। इसके बारे में अभी दो तीन बात और कर लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हमारा जो भी कॉन्स्ट कीवर्ड होता है ना, इसकी हेल्प से मान लीजिए हमने कोई भी अगर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है ना, तो हम उसको रीअसाइन नहीं कर सकते, ठीक है। हम लेट की हेल्प से तो क्या कर रहे थे, मान लीजिए लेट हम यहाँ पे मैं इसको 10 असाइन कर रहा हूँ, ओके। और मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, 15 कर सकता हूँ, ओके। तो यहाँ पे मुझे क्या शो करेगा, ओनली यहाँ पे मुझे 15 शो करने लग जाएगा, ओके। तो यहाँ पे मैं इसको पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 15 मुझे शो कर रहा है, लेकिन हम कॉन्स्ट में ये वाली चीज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्ट जो हमारा कॉन्स्ट कीवर्ड होता है वो क्या होता है, इम्यूटेबल, ओके। तो हमने अगर एक बार उसको असाइन कर दी चीज़ें, तो हम उसको रीअसाइन नहीं कर सकते, हम उसकी वैल्यू को चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे चेंज करने की यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा ना, तो यहाँ पर मुझे एक एरर शो करने लग जाएगा, ठीक है, मुझे यहाँ पे टाइपो एरर शो करने लग जाएगा, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे टाइपो एरर शो कर रहा है, असाइनमेंट टू कॉन्स्टेंट वेरिएबल। आप एक कॉन्स्टेंट वेरिएबल बना चुके हो, उसको आप कोई चीज़ नई चीज़ असाइन कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, ओके। तो ये सिंपल था, साथ है हमारा कॉन्स्ट कीवर्ड के बारे में, ओके। और एक चीज़ और देखिए यहाँ पे कॉन्स्ट कीवर्ड के बारे में, एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, तो मान लीजिए अगर आपने कॉन्स्ट एक कोई भी कीवर्ड यहाँ पे बना लिया, मान लीजिए आपने कोई भी वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर कर लिया, कॉन्स्ट वेरिएबल आपने डिक्लेयर कर लिया कॉन्स्ट कीवर्ड की हेल्प से, और आपने यहाँ पे क्या किया, ओनली डिक्लेयर ही किया, इसको कोई इनिशियलाइज नहीं किया, तो आपको ये सिंटेक्स एरर शो करेगा, अगर आप इसको वो चीज़ करने की कोशिश करो तो ए, तो आपको सिंटेक्स एरर यहाँ पे शो करेगा, ओके। मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो सिंटेक्स एरर शो करने के, मिसिंग इनिशियलाइजर इन कॉन्स्टेंट डिक्लेरेशन, ओके। तो आप एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो कॉन्स्ट कीवर्ड की हेल्प से, कॉन्स्टेंट अगर डिक्लेयर कर रहे हो ना, तो आपको उसको डिक्लेयर के साथ साथ इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा, नहीं तो हमें एक सिंटेक्स एरर शो करने लग जाएगा, ओके। तो यहाँ पे मैं इसको अगर मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ, तो मुझे कोई एरर शो नहीं करेगा, ओके, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे कोई भी एरर शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंपल इनिशियलाइज के बारे में और डिक्लेरेशन के बारे में, ओके। अब हम इसको जो हमारा कॉन्स्ट कीवर्ड है इसको एक ऑब्जेक्ट के साथ देखते हैं इसको, फिर जिससे आपको और चीज़ें अच्छे से तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं एक पर्सन एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको एज देता हूँ 20, ओके, ठीक है। तो यहाँ से इस चीज़ को रिमूव करता हूँ, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सिंपल console.log, हाँ अब ये मेरा बन चुका है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मान लीजिए अब मैंने आपको बताया ना जो कॉन्स्ट कीवर्ड होता है उसकी वैल्यू को हम रीअसाइन नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, जो भी इसकी वैल्यू है, उसकी प्रॉपर्टी को चेंज नहीं कर सकते हम, वो हम कर सकते हैं। किस तरीके से, मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, पर्सन
पर्सन डॉट एज, मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पे 13 करना चाह रहा हूँ। तो अब मुझे कोई भी एरर शो नहीं करेगा, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं पर्सन करना चाहूँ, पर्सन पर्सन डॉट एज भी कर सकता हूँ, नहीं मैं पर्सन को अगर प्रिंट करवाना चाहूँ तो वो भी हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो मुझे यहाँ पे 13 शो करेगा। ओके, सेव करता हूँ वापस से और अब पेज को रिफ्रेश करता हूँ। ओके, तो देखो मुझे कोई भी कुछ भी चीज़ यहाँ पे एरर शो नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं इसकी वैल्यू की जो प्रॉपर्टी है उसको मैं चेंज कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इसको रीअसाइन करने की कोशिश करूँगा तो वो मुझे एक एरर शो करेगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैं इसको इस तरीके से कर सकता हूँ, अगर मैं इसको करता हूँ कॉन्स्ट, एक अलग से ही यहाँ पे मैं क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे एक पक्का यहाँ पे एरर मिलने वाला है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए। मैं इसको अमल 30 करता हूँ तो अब मुझे यहाँ पे एरर शो करेगा। ओके, आइडेंटिफाई पर्सन हैज बीन ऑलरेडी डिक्लेयर। ओके, तो इस तरीके की चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ। ओके, ठीक है। तो अगर मेरे को इसका वैल्यू चेंज करना हो, इसकी प्रॉपर्टी जो इसकी वैल्यू है उसकी प्रॉपर्टी चेंज करनी हो, वो मैं कर सकता हूँ। ओके, और मैं आपको इसका एरे के एग्जाम्पल के साथ भी इस चीज़ को और अच्छे तरीके से कवर कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक कॉन्स्ट कलर का एक एरे यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ, ठीक है। और उसके अंदर सबसे पहले हम एक एलिमेंट रखते हैं, एक कलर रखते हैं रेड। ओके, और इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे मान लीजिए इसमें मैं कलर में एक चीज़ नई ऐड करना चाह रहा हूँ, पुश। ओके, तो पुश की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसमें चीज़ें नई ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ग्रीन करना चाह रहा हूँ, तो इस अब मैं इसको प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, तो मुझे कोई भी एरर शो नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कलर को प्रिंट करता हूँ, तो कंसोल पे देखते हैं इस चीज़ को, तो कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। तो सिंपल मुझे यहाँ पे दो एलिमेंट ऐसे एरे के, फर्स्ट इंडेक्सेस पे, जीरो इंडेक्सेस पे, मतलब फर्स्ट पे हमारा रेड एंड यहाँ पे ग्रीन। ओके, लेकिन अगर मैं इसको रीइनिशियलाइज करने की कोशिश करूँगा तो ये मुझे एक 100% मुझे ये एक एरर शो करेगा। मतलब कि अगर मान लीजिए मैं कलर्स को यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, रीइनिशियलाइज, मतलब इस तरीके की चीज़ें करूँ तो मुझे यहाँ पे एरर शो करने लग जाएगा, ठीक है। असाइनमेंट टू ए कॉन्स्टेंट वेरिएबल, हम एक कॉन्स्टेंट जो वेरिएबल बनाए उसको हम असाइन नहीं कर सकते ये चीज़ें। ओके, तो बस गाइस यही था हमारा कॉन्स्ट कीवर्ड के बारे में। ओके, तो हमने आज के वीडियो में 3-4 चीज़ें हमने देख चुके हैं, ठीक है। हमने सबसे पहले लेट कीवर्ड के बारे में देखा था, जो जावास्क्रिप्ट ES6 में एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई थी उसके बारे में। ओके, और उसके बाद में हमने देखा है जावास्क्रिप्ट लेट के बारे में, और जो हमारा जो ES5 में हम वेरिएबल डिक्लेयर करते थे वेर कीवर्ड की हेल्प से, उसके बारे में हमने दोनों डिफरेंसेस देख चुके हैं, ठीक है। और लास्ट में हमने देखा है कॉन्स्ट कीवर्ड के बारे में। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इन वेरिएबल डिक्लेयर करने में, कौन सा कीवर्ड यूज करें कौन सा कीवर्ड ना यूज करें। ओके, तो हम अब क्या करते हैं, दो ही कीवर्ड यूज करते हैं, लेट एंड कॉन्स्ट। अगर हमारा कोई कॉन्स्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर करना हो तब कॉन्स्ट करते हैं, नहीं हम ओनली नॉर्मली लेट कीवर्ड यूज कर लेते हैं। ओके, तो बस गाइज आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।